हेलो फ्रेंड, आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से VN ऐप से लिखने वाला रनिंग टेक्स्ट वीडियो, यानी कि जो कहानी वीडियो होती है लिखने वाली, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर रनिंग हो रही है और ऊपर की ओर जा रही है, तो इस तरीके का वीडियो वो भी VN ऐप में कैसे बना सकते हैं। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि सर VN ऐप में ऐसे वीडियो कैसे बना सकते हैं जो लिखने वाली हो और कहानी वीडियो हो, तो ऐसे वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो ये वीडियो आज उनके लिए भी है। अगर आपको भी VN ऐप से नहीं आता है बनाना, तो आपके लिए भी काफ़ी उपयोगफुल ये वाला वीडियो होने वाला है। तो चलिए आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से VN ऐप से ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं, स्टोरी वीडियो लिखने वाले वीडियो। तो चलिए चलते डिस्प्ले पर, वहीं आपको सिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर VN ऐप आपको दिख रहा होगा, तो इसे को करते हैं ओपन। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन हो जाए। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसी प्लस के चिन्ह पर एक बार करेंगे क्लिक। प्लस के चिन्ह पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट, तो न्यू प्रोजेक्ट पर करेंगे एक बार क्लिक। तो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके काफ़ी सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। तो देख सकते हैं आपको वीडियो में यूज करने के लिए वीडियो यूज करना चाहते हैं या फोटो यूज करना चाहते हैं, तो देख सकते हैं मैं फ़ोटो यूज करना चाहता हूँ, तो फ़ोटो पर एक बार करेंगे क्लिक। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जितने भी फ़ोटो हैं इस तरीके से आ जाएंगे। ओके, फ़ोटो आने के बाद देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो जैसे कि मुझे लेना है, तो इसी फ़ोटो पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये नेक्स्ट का है, यानी कि आगे का, तो इस पर एक बार कर देंगे क्लिक। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये यहाँ पर फ़ोटो आ गया। अब लिखना कैसे, तो लिखने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर एक बार करना है क्लिक, जो टी लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर फिर से टेक्स्ट पर करेंगे क्लिक। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल पर एक बार करेंगे क्लिक। टाइटल पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फिर एडिट पर यहाँ पर करेंगे एक बार क्लिक। तो चलिए एडिट पर क्लिक कर लेते हैं। एडिट पर क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पर आप कहानी कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, इतना कुछ करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर, तो चलिए अरे क्या हो रहा है, चलिए बैक करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब इस तरीके से अगर आपको जूम करना है तो जूम भी कर सकते हो। ओके, नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना कुछ करने के बाद ये जो लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए कलर पर चलते हैं। ओके, तो जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने पीला कलर पर क्लिक कर दिया। और शेडो लगाना है तो यहाँ से आप शेडो भी लगा सकते हैं, जो भी कलर का शेडो आपको लगाना है। तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने जल्दी में ये वाला शेडो लगा दिया। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं राइट पर कर देना क्लिक, ताकि ये सब कुछ फिक्स हो सके। इतना कुछ करने के बाद अब आपको गौर से देखना है, क्योंकि अब इस टेक्स्ट को मैं रनिंग कराने वाला हूँ VN ऐप में। तो देख सकते हैं इसको सबसे पहले आपको इस तरीके से नीचे लेकर आना है। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से केवल एक ही लाइन इस तरीके से आपको दिखनी चाहिए। इतना कुछ करने के बाद ओके, अब आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक बार कर देना है क्लिक। ये देख सकते हैं क्रोमा की इकाई ऑप्शन है ये वाला, तो चलिए इस पर एक बार कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आना है और इस तरीके से खिसकाना, इस तरीके से और खिसकाना। खिसकाने के बाद अब देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है इसको आपको ऊपर की ओर ले जाना है। तो चलिए इस तरीके से आपको ऊपर की ओर ले जाना और ले जाना है और ले जाना है, यानी कि पूरा दिखना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको बिल्कुल कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया। ओके, इतना कुछ करने के बाद अब चलिए एक बार चलते हैं बैक पर। चलिए बैक कर देते। बैक करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर, अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि रनिंग कर रहा है कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे से रनिंग कर रहा है, पर ये रनिंग इतना तेज़ कर रहा है, यानी कि इतनी स्पीड कर रहा है कि इसे यानी कि पढ़ पाना मुश्किल है। तो इसकी रनिंग स्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ही एक बार क्लिक करना पड़ेगा जो आपने लिखा हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको इस तरीके से खींचना है इसको। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर खींचने वाला हूँ, जितना आप इस तरीके से खींचते जाओगे उतनी ही इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। ओके, इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये चिन्ह है यहाँ तक जाने की स्पीड थी, तो इस पर एक बार कर देना है आपको क्लिक। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। ओके, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिर से ये वाला इस पर के एक बार कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद तो चलिए अब इस पर करते हैं क्लिक, इसको हटाना है। तो चलिए कैसे हटाएंगे, तो चलिए अब प्ले करके दिखाते हैं।
तो देख सकते अभी भी क्या इसकी स्पीड बहुत तेज है। ओके, तो इसकी स्पीड कैसे कम करेंगे, तो इसकी स्पीड कम करने के लिए यहाँ पर आपको ये वाला चिन्ह है, इसको हटाना ही पड़ेगा। तो ये वाला चिन्ह कैसे हटाएंगे, देख सकते यहाँ पर जो मैंने अभी लगा था वो कैसे लगा सकते, देख सकते इस तरीके से ये चिन्ह आ रहा था, ये पहले वाला चिन्ह था। ओके, तो इसको हटाने के लिए देख सकते यहाँ पर आपको करना पड़ेगा एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते इस तरीके से ये वाला चिन्ह चला जाएगा जो क्रोमा की का था, तो ये लास्ट पर था, लास्ट पर आ जाएगा। ओके, इतना कुछ करने के बाद तो चलिए अब आपको प्ले करके दिखाते हैं इसकी स्पीड कम हो गई होगी। तो देख सकते अब इसकी स्पीड इस तरीके से कम हो गई। तो इसी तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं वो भी VN ऐप में। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आती तो मुझे कमेंट में बताएं और आपको अच्छे सरल तरीके से वीडियो बनाना सिखाएंगे। तो देख सकते हैं इतना कुछ वीडियो बनने के बाद आपको यहाँ पर एक बार कर देना है क्लिक सेव करने के लिए। ओके, इतना कुछ करने के बाद अब आपको सेव करना है, तो यहाँ से आप जो भी क्वालिटी रखना चाहते हैं वो क्वालिटी रख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं राइट पर कर देना है क्लिक। राइट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से 100% पूरी हो जाएगी और आपका वीडियो सेव हो जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।